नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जिला बालोद गुरु ब्लॉक के राजा राव पठार में होने वाले वीर मेला का आगाज 8 दिसंबर से हो गया है। आयोजन का यह नवम वर्ष है। लगातार 3 दिनों से चलने वाले मेला में लाखों लोग पहुंचते हैं। आदिवासी स्वर आदिवासी समाज जिला बालोद धमतरी कंकेर से तत्वावधान में शहीद वीर नारायण सिंह शहीद दिवस पर वीर मेला का आयोजन 8, 9, 10 दिसंबर को राजा राव पठार तहसील गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं इसमें क्या राय क्या मशविरा हो रहा है, मेरी नोटिस में नहीं है, लेकिन अभी तक राज्यपाल जी का हस्ताक्षर शायद नहीं हुआ है, ये जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बहुत शीघ्र ही थोड़ा सा क्या कुछ बातें हैं उसको विशेषज्ञों से राय लेकर क्यों करने वाले। एक दिन की बात कही गई थी हस्ताक्षर को लेकर, लेकिन अब बीते 4 दिन अभी ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, टाइम कैसे ज़्यादा लग रहा है या कौन लोग और राय क्या कर रहे हैं इसकी सूचना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शीघ्र करने वाले हैं। राजी क्या लगता है, जैसे कि अभी वीर मेला का भी आयोजन हो रहा है, आदिवासी समाज का एक बड़ा महोत्सव है, क्या लगता है इस बीच में चाहे सीएम साहब का भी आने का यहाँ पे है, राज्यपाल जी का भी आने का, क्या इस दौरान ये सौगात मिल सकती है आदिवासी समाज को जो आरक्षण का जो बिल जो अटका पड़ा है? अब उस विषय में तो कुछ कहना अभी हमारे लिए संभव इसलिए नहीं है कि वो राज्यपाल जी के यहाँ है, वो क्या मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय आपकी आने वाली हैं ये सूचना है, उनको बाकायदा निमंत्रण दिया गया है। और वीर मेला किसी उससे नहीं है, ये तो समाज का मामला है, बहुत बड़ा ऊपर है, और आदिवासी समाज देश और दुनिया में वो समाज है जिसको बहुत सारी बातें जिसकी दुनिया में अलग अलग जगहों में अनुकरण भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो हमारा आदिवासियों का प्रदेश है और इसमें सारे लोग अत्यंत अच्छे तरीके से यहाँ रहते हैं, और आदिवासी समाज को और ऊपर कैसे आना है ये भी हम सब लोगों के सामने एक चुनौती है। अभी हम कोरवा समाज कमाज बिरोह पंडो बैगा ये जो 5 जनजाति जिसको कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी के दत्तक विशेष जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब अंग्रेजी में, इन सारे समाज को कैसे बहुत ही आदिवासी समुदाय के साथ ही अनेक समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं, भव्य आयोजन किया गया उसके बारे में। देखो आदिवासी हमेशा जनोजात के लेके चलता है, एक दूसरे के बगैर आदिवासी का काम नहीं चलता है। जैसे साहू घर से तेल, कलार घर से दवाई, केवट घर से चन्ना मुर्रा राउत बैल चलाए, है ना, माने जनोजात से हम लेके चलते हैं। और मेला मड़ई भी ट्राइबलों की मेला मड़ई है, लेकिन जनोजात आते तभी मेला लगता है। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित और हमारे दादा परदादा बावनगढ़ राजा रहे, नरोटी जी आपका भी इस मंच पर बावनगढ़ के व्यवस्था है, ये प्राचीन काल से हम एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।